नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अमीन के कोर्स में हम लोग अभी आज विषम चतुर्भुज की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि विषम चतुर्भुज का बंटवारा करना थोड़ा कठिन है। तो आज हम विषम चतुर्भुज का एक बार और बंटवारा करते हैं और एक बार और आसानी से सीखते हैं कि कैसे बंटवारा होता है। तो एक प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, सिर्फ एक ही प्रश्न हल करवाऊंगा, लेकिन अगर आप अच्छे से देखते हैं तो इसी एक प्रश्न में सारी बात आप समझ जाएंगे। देखिए, एक हमारे सामने प्लाट है, ये प्लाट की लंबाई है 30 मीटर। कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से समझिएगा, 30 मीटर लंबाई है, इधर की चौड़ाई है 12 मीटर, इधर की लंबाई है 40 मीटर और ये चौड़ाई है 10 मीटर। ठीक, इस प्रकार का आकार बनेगा। ये थोड़ा बड़ा है, ये 10 है, ये 30 है और ये 40 मीटर है। अब लगना भी चाहिए ना, कौन सी भुजा बड़ी है कौन छोटी है। पता चला छोटी वाली भुजा को बड़ी बना दिए, बड़ी वाली को छोटी, तो समझने में दिक्कत होगा। ये भुजा बड़ी है, ये 10 छोटी है, ये 30, ये 40, समझ में आ रहा है कौन छोटी है कौन बड़ी है। अब देखिए, मैं इसे 5 भागों में बांटूंगा। 2 भागों में बांटना बहुत आसान है, सीख ही गए हैं। 3 भागों में पिछले वीडियो में बांट ही दिया था, 5 भागों में सीख लीजिए बांटना। उसके बाद फिर आप चाहे 7 भागों में बांटिए, चाहे जितने भागों में बांटिए, मुख्य है 5 भाग। तो इसे हम 5 भागों में बांटेंगे। अब 5 भागों में बांटना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लाट का क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल कैसा निकालेंगे, आपको बताए थे, औसत वाला ही निकालिएगा, क्योंकि आपको बंटवारा औसत के ही हिसाब से करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि लंबाई है 30 और फिर से अगली लंबाई है 40, दोनों का औसत निकाल दीजिए। तो 40 30 70/2 = 35 मीटर, यानी कि औसत लंबाई 35 मीटर। अब औसत चौड़ाई की बात करिए तो 12 10 22/2 यानी कि 11 मीटर। तो औसत लंबाई 35 मीटर और औसत चौड़ाई 11 मीटर। अब हमें निकालना है पूरे प्लाट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर औसत लंबाई गुणित औसत चौड़ाई। तो औसत लंबाई का यानी कि 35 का औसत चौड़ाई यानी कि 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 385 वर्ग मीटर। 385 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है इस प्लाट का। इस 385 को हम 5 भाग में बांट दें सबसे पहले। तो जब 5 भागों में इसे बांटेंगे तो 5 का भाग करेंगे, 385 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 77। यानी प्रत्येक व्यक्ति को 77 वर्ग मीटर मिलेगा। 77 × 385, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 3 = 38। ठीक है, 385 में 5 का भाग किया। अब पहला काम तो हो गया, पहला काम कि पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालिए, निकल गया। उसके बाद उस क्षेत्रफल को 5 भागों में बांट दीजिए, बट गया। अब दूसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि आपकी ये वाली जो भुजा है 30 मीटर, चाहे आप ऊपर वाली को पकड़ लीजिए चाहे आप नीचे वाली को पकड़ लीजिए, तो हम ऊपर वाली को ही हमेशा पकड़ते हैं, इससे हल करने में सुविधा होती है। तो ऊपर वाली भुजा है 30 मीटर, तो अब हम 30 में 5 का भाग कर दें तो कितना आएगा, 6। अब आप सोच रहे होंगे 30 में 5 का क्यों, क्योंकि हमें 5 भागों में बांटना है इसलिए 5 का, 7 भागों में बांटना होता तो 7 का, तो आया 6 5 का करने पर। तो अब यहां से चेक करिए 6 कहां आ रहा है, मान लो 6 यहां आ रहा है, फिर यहां से चेक करो 6 कहां, मान लो यहां, तो 1 2 3 4, 5 भाग हो गया, 1 2 3 4 5, ये कितना है, 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर।
मतलब जैसे आपने ये भुजा 30 मीटर नापी थी, आप वैसे ही यहां से 6 मीटर आगे नापिए, फिर यहां से 6 मीटर ऐसे ऐसे पूरा नाप लीजिए, ताकि ये लाइन हर मतलब पार्ट में बराबर बराबर आए, नीचे बराबर बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ रहे हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन बराबर नहीं है। अगर ये 30 है, ये भी 30 होता तो जैसे ऊपर आया है बराबर, वैसे नीचे भी बराबर आता, लेकिन नीचे वाली लाइन ज्यादा है इसलिए इसकी माप ऊपर वाले से ज्यादा ही आएगी, लेकिन ज्यादा में भी अलग अलग आएगी। अब क्या करेंगे, हम एक काल्पनिक लाइन खींच लेते हैं जो कि सही लाइन नहीं है लेकिन काल्पनिक लाइन है। अभी मैं इसको मिटाऊंगा भी, लेकिन सवाल हल करने के लिए मैं एक काल्पनिक लाइन खींच रहा हूं ताकि सवाल हल करने में आसानी हो। 1, 2, 3, 4, 5 यहां से यहां कितना है, यही मुख्य काम है हमारा पता करना कि यहां से कितना दूर नाप दें ताकि जो भी बिंदु आए वहां से इसको मिला दें, तो ये जो पहला भाग हो इसका क्षेत्रफल 77 वर्ग मीटर आए, दूसरे भाग का भी क्षेत्रफल 77, तीसरे का भी उतना, चौथे का भी उतना और पांचवें का ऑटोमेटिक उतना आएगा ही। यहां तक समझ में आया? सबसे पहले क्या किया, पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल निकाला, उसको पांच भागों में बांटा, उसके बाद भुजा को पांच भागों में बांटा और जितना आया वहां से मैंने नीचे एक काल्पनिक लाइन खींचा। अब काल्पनिक लाइन खींचने के बाद हर लाइन की लंबाई भी लिखिए, यानी ये लाइन यहां से यहां तक कितनी लंबी है, यहां से यहां तक कितनी लंबी है। ये वास्तविक लंबाई नहीं है, ये भी काल्पनिक लंबाई है लेकिन वास्तविक के काफी नजदीक है, मतलब हम जो इसकी नाप लिखेंगे वो लगभग लगभग सही रहेगी, उतनी ही आएगी। फिर भी अगर आपको शंका है तो आप फील्ड में उसको नाप लीजिएगा, लेकिन नापेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये समझ जाइए आप। अब देखो 10 ये है, यहां 12 है, इसका मतलब कि 10 से हर लाइन बढ़ती हुई जाएगी और कहां तक जाएगी, 12 तक। इसका मतलब 10 से ये बड़ी होगी, इससे ये बड़ी होगी, इससे ये बड़ी होगी, इससे ये बड़ी होगी और इससे भी ये बड़ी होगी। तो कितनी कितनी बड़ी होगी, एक सीक्वेंस में बड़ी होती चली जाएंगी। 10 से 12 कितना बड़ा है, 2, यानी 12 में से 10 घटा दो कितना आया, 2, यानी इससे ये वाली लाइन 2 मीटर बड़ी है। तो अब 2 में 5 भाग कर दो, फिर से 5 भाग, क्यों, क्योंकि हमें 5 भागों में बांटना है इसलिए 5 का भाग करेंगे। तो 2 में जब 5 का भाग करेंगे तो आएगा 0.4, तो 0.4 मीटर ये बड़ी होगी इससे। तो 10 में 0.4 जोड़ दो तो कितना आएगा, 10.4। अब इसमें 0.4 जोड़ो, सब में 0.4 जोड़ते जाएंगे, तो 10.4 में जब 4 जोड़ेंगे तो 10.8 आएगा, 8×4=12, यहां आ जाएगा 11.2, यहां आएगा 11.6 और फिर 11.6 में 0.4 जोड़ोगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 12। यहां तक बात समझ में आ गई, 0.4 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 5 भाग करने पर 0.4 आया, तो सभी लाइनों में 0.4 जोड़ते चले जाइए, ऑटोमेटिक यहां तक एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। अब पहले भाग का कारनामा देखिए, पहले भाग में हम क्या करेंगे, जो ये चौड़ाई है उसका औसत निकालिए, 12×11.6/2, यानी 12 में 11.6 का जोड़ करके 2 का भाग दो तो आएगा 11.8, ठीक, 11.8 औसत चौड़ाई। अब क्षेत्रफल है 77, तो इस 77 में 11.8 का भाग करो तो कितना आ जाएगा, 6.52। ये 6.52 क्या आया, ये चौड़ाई था और ये क्या है, लंबाई है, यानी औसत लंबाई इस प्लाट की 6.52 है, जिसमें से ये 6 है। तो अब अगली लंबाई ये निकालने के लिए इसमें 2 का गुणा करके इसी 6 को घटा दो, तो 2×2=4, 2×5=10, 2×6=12=13, 13.04 में 6 घटा दो तो 7.04 मीटर आएगा। तो यानी यहां से 7.04 मीटर जहां भी जाए, मान लो यहां आ गया, तो आप यहां से सीधा
लाइन खींच दो 7.04 जहां पर आए। अब ये जो प्लाट पहला आया उसका क्षेत्रफल 77 आएगा, आप चेक कर लीजिए, 77 से न ज्यादा होगा न कम होगा। यही हाल दूसरे वाले में भी करना है, तो दूसरा का करना है तो क्या करेंगे, दूसरे के लिए 11.6 का 11.2 का औसत निकालेंगे, तो क्या आएगा कर लेते हैं, 11.6 धन 11.2 बटे 2, इसको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो आएगा 11.4। अब आप क्या करिए, फिर से जैसे आपने यहां किया है 77 का भाग किए, 77 में भाग दिया है 11.8 का, लेकिन यहां आ रहा है 11.4, तो 11.4 का भाग दीजिए तो कितना आएगा 6.75। अब 6.75 में 2 का गुणा करके ये 6 घटा दो तो क्या आएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1 × 15 = 12, 1 × 13, 13.5 में 6 घटा दिया कितना आ गया 6.7, 7.5 7.5, ठीक है, कितना है ये 7.5, 7.5, इससे यहां से यहां तक जितना है उससे ये ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, मान लो यहां तक है। अब हमने इसको यहां से मिला दिया, दूसरा भाग हो गया। ऐसे ही तीसरा करना है, तीसरे के लिए 11.2 और 11.8 का औसत निकालिए जोड़ करके, तो कितना आएगा 11.4, कर लेते हैं 11.2 धन 10.8 बटे 2, जोड़ करके आधा कर दो तीसरे वाले का, तो सीधा सीधा आ जाएगा 11। इसका मतलब कि अब आपको क्या करना है, 77 में 11 का भाग करना है तो क्या आएगा 7। अब 7 में 2 का गुणा करके 6 घटा दो तो 7 × 2 = 14 में 6 गया, सीधा सीधा 8 आया, तो यानी यहां से यहां तक कितना होगा 8 होगा। अब ये भी लाइन खींच दो, इसी तरह चौथा कर लीजिए, तो चौथे में भी 10.8 का 10.4 में जोड़ करके आधा कर दो, 10.8 धन 10.4 बटे 2, जोड़ दीजिए 10, 10, 20, 8, 4, 12, यानी कितना आएगा जोड़ने के बाद 21.2, 21.2 में 2 का भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 10.6। अब 77 में 10.6 का भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 7.26, और फिर से वही प्रक्रिया 7.26 में 2 का गुणा करके 6 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4 = 5, 2 × 7 = 14 = 15, -6, 15 में 6 = 8, 8.52, 8.52। और अब तीसरा मतलब पांचवा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, 40 पूरी भुजा है, 40 में इसको घटाओ फिर इसको घटाओ, इसको घटाओ इसको घटाओ, इन चारों को घटा दो तो ऑटोमेटिक क्या बचेगा 8.94, 8.94 पांचवा अपने आप आ जाएगा। और अब आप समझिए ये चारों का जो क्षेत्रफल है वो 77 वर्ग मीटर आएगा, न एक वर्ग मीटर कम न ज्यादा। लेकिन ये जो पांचवा भाग है इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, लंबाई का औसत प्लस चौड़ाई का औसत और गुणा कर दीजिए, तो जब करेंगे तो 77 से थोड़ा सा कम आएगा, चेक कर लीजिए क्या आता है। चलिए मैं यहां करके देख रहा हूं पांचवें भाग का, ठीक है दिखाई दे रहा है पांचवें भाग का, ठीक है पांचवें भाग में लंबाई कितनी है 10.4 और 10, तो 10.4 धन 10 बटे 2 कितना हो गया औसत लंबाई 10, 10, 20.4/2, 2 × 10, 10.2, ये आ गई औसत लंबाई। औसत चौड़ाई की बात करिए तो 6 में 8 × 94 जोड़ दो, 6 × 8.94/2, तो 8, 6, 14.5
94/2 भाग करेंगे आ जाएगा 7.47। अब आप 10.2 का 7.47 में गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 76.194 वर्ग मीटर। सिर्फ पांचवे में 77 नहीं आया, 77 से थोड़ा कम आया, लेकिन 76 से ज्यादा आया है, ये ध्यान रखिएगा, 76 से ज्यादा आया है। तो खेत में इतना चलता है, इतना फर्क जरूर हो जाएगा, चाहे आप जिससे नापिए चाहे जो करिए। तो इसलिए पांचवे में थोड़ा सा फर्क आएगा। अगर आप इधर से नापना शुरू करते हैं, पूरी प्रक्रिया ऐसे ही होगी, तब इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, बाकी चारों में फर्क नहीं रहेगा। इधर से नापेंगे मतलब जिधर से शुरू करेंगे उधर से सही जाएगा अंतिम तक, बस अंतिम वाले का थोड़ा सा फर्क होगा। तो इस बात को आपको इग्नोर करना है, ठीक, और बंटवारा आपको विषम चतुर्भुज का ऐसे ही करना है जैसे हमने बताया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को फिर से देख लीजिए, समझ में नहीं आया है तो, और आप देखेंगे फिर से तो मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा इसको स्पीड में बताने की कोशिश किया है, लेकिन आप एक दो बार और देख लेंगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब अगले दिन से हम लोग वृत्त शुरू करेंगे।